के बीच में एक जो नहर का पुला है उस पर हम पहुंच गए। एक तरफ आप देख रहे हैं नहर को पूरी तरह से खोदा जा रहा है और दोबारा से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये नहर बहुत पुरानी नहर है, बहुत दिनों से इसमें पानी आ रहा था, लेकिन इसमें जंगल लग गया था और बहुत ज्यादा इसमें पानी चोक हो जाता था, पानी रुक जाता था। दूसरी ओर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप दूसरी ओर देख सकते हैं पूरा घास पतवार सब चीजों से नहर भर चुका है और पानी जो है यहाँ तो रुक जाता था, जिसकी अभी खुदाई चल रही है। पूरा आगे तक और आप नहर को दोबारा से बराबर कर रही है, जिससे कि पानी ठीक से जा सके। आमतौर पर मैं बता दूं, ये सिंचाई की नहर है और ये काको निर्वापुर के बाद को हरियाली हरियाली करती है और इसका पानी जो है बहुत जरूरी चाहिए होता है। तो आगे वीडियो में बने रहे और देखेंगे आगे। तो हम जा रहे हैं उस जेसीबी के नजदीक जहाँ पर खुदाई हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कितनी चौड़ीकरण इसका किया जा रहा है और साफ। तो हम लोग इस समय मौजूद है काको और निर्वापुर के बीच में जो नहर जाती है, वहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये पहले पूर्व में जो है हो सकता है यहाँ से पानी निकलता होगा और हो सकता है क्या निकलता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी के बड़े बड़े पाइप लगे हैं जो कि डैमेज हो चुका था। ये नहर जो है वो डैमेज हो चुका था, सिंचाई के लिए बनाया गया था और चारों तरफ यहाँ से पानी दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर यह नहर ब्लॉक हो चुका था, जिसे दोबारा से जो है वो जिंदा किया जा रहा है, दोबारा से उसकी खुदाई की जा रही है। आपको मैं विजुअल भी जो है इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पाइप है, यहाँ से भी पाइप आप देख रहे होंगे, यहाँ से भी आप पाइप देख रहे होंगे, ये भी पाइप है और यहाँ से पानी जाता होगा। ये भी शायद कभी ब्रिज हुआ करता होगा, छोटा छोटा पुल हुआ करता होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये बिल्कुल टूट चुका है और दोबारा से इसमें काम चालू है। आप अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो में बने रहे, हम आपको पूरा ये सीढ़ी तक जाएंगे, वहाँ तक दिखाएंगे आपको किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। तो वीडियो पे आप बने रहे। तो हम सब इस समय नहर के बीच में खड़े हैं, नहर अभी खुदा रही है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और हम यहाँ पर अभी बीच में खड़े हैं। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसकी चौड़ाई देखिए, हमें लगता है इसकी चौड़ाई कम से कम नहीं कुछ तो 30 फीट से ज़्यादा होगी और पहले इतनी चौड़ाई नहीं थी, पहले बहुत संकीर्ण बन गई थी ये नहर और पानी जो है वह मुश्किल यहाँ से निकलता था, लेकिन इस समय इसकी चौड़ाईकरण किया जा रहा है और इसे जो है वो एक यहाँ से जो है नहर से पानी निकलने में परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो में आप बने रहो। मैं आपको बता दूँ, यह विदेशर उप शाखा नहर के अंतर्गत आता है और कोसी नहर प्रोजेक्ट के अनुसार ये चल रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, ये पानी जो है कनोली से होके आता है, शायद हो सकता है भटगामा की तरफ से आता हो और वहां से इसे पाइपों के द्वारा सिंचाई के लिए दिया जाता है। आमतौर पर यह नहर सिंचाई के लिए ही बनाई गई है, परंतु पिछले कुछ सालों से ये नहर एक तरीके से पानी तो आता था लेकिन चौड़ाई नहीं थी। इस समय इसकी चौड़ाई लगभग 32 से 40 फीट बनाई गई है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का फ्लो कितनी अच्छी से निकल पाएगा। इसके साथ साथ ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है और एक ये जो है इस तरह की लगभग जो है ये आप देख सकते हैं आगे इस तरह के बहुत सारे पुल बने हुए थे इनके बीच में जो पूर्व से ही डैमेज है, जिन्हें अब सरकार जो है दोबारा से इन्हें जब नहर बनेगी तो दोबारा से बनाया जाएगा और फिर से इनके ऊपर पुल बनेगा और दोबारा से नहर चलेगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है लोग सब, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आप जो है यहाँ पर जो है ये जो पुल सब टूटा हुआ है इसका क्या होगा? क्या हुआ है ये नहर अभी फिलहाल जो है यहाँ से कहाँ तक मतलब ठीक हुई? यहाँ से आपको कौन सा जगह पड़ेगा? फोर लाइन जो आपकी हो रही है पैट घाट फोर लाइन वहाँ पर क्या उस पोजीशन पे आप इंतजार कर रहे हैं? तो हमारे साथ इस समय बात कर रहे थे यहाँ पर जो देख रेख कर रहे हैं उनसे हमने जानकारी ली। आपको बता दूं ये नहर यहाँ से पैट घाट तक जाएगी और पैट घाट में फोर लाइन में ये मिल जाती है, वहाँ तक सभी नहरों को चौड़ा किया जाएगा। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि नहर में लगातार पानी की समस्या हो रही थी, उस पानी की समस्या को दूर करने का पुरजोर प्रयास जो है हमारे जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी के द्वारा किया जा रहा है और लगातार इस तरह के प्रोजेक्ट
लगातार हो रहे हैं, चाहे नदियों के ऊपर पुल बनाने का प्रोजेक्ट हो, या चाहे आप कह सकते हैं आईबी में नरवार में बन रहा है ब्रिज हो, चाहे आपका बकौर में बनने वाला मधेपुर वाला ब्रिज हो, हर जगह जो है कुछ ना कुछ नई जो है वो जल संसाधन मंत्री संजय झा जी के द्वारा नई पहल की जा रही है, जिसके द्वारा किसानों को सही समय पर पानी मिले और सही तरीके से जो है वो खेती या फसल वगैरह सही तरीके से हो सके। तो इस तरह के वीडियो हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं और इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। और साथ साथ ये किस तरह के पुल हैं जो बहुत पुराने समय के पुल थे, वो इन्हें भी सरकार को ठीक करने का जो है टेंडर हो चुका है। देखते हैं अब आगे क्या होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहें खबर आस पास। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। अरे पॉजिटिव है।